जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वह तो कह रहे हैं कि वो जाके बनारस में भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो उसको पहले नंदीग्राम से लड़ने दीजिए, और लड़ तो रही है पर चुनाव का नतीजा उनको पता है क्या होगा, इसीलिए उनको दूसरी दूसरी जगह का ख्वाब दिख रहे हैं। इससे पहले उनको दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर बनने का भी ख्वाब था, वो ख्वाब तो मिट्टी में मिल गया, अभी ये ख्वाब भी मिट्टी में मिल जाएगा। पर हम लोग चाहते हैं कि इधर से हारने के बाद एक जगह तो उनका जितना ज़रूरी है जाके एक बार ट्राई करें बनारस। क्या लग रहा है, बनारस जीत जाएंगे? उनकी देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी ख्वाबी पुलाव में हम लोग थोड़ा किशमिश डाल ही देते हैं और बोलते हैं जाइए मैडम जी ट्राई करिए एक बार, अपना अपना कितना पैर मिट्टी में है ये भी तो पता चल जाएगा उनको। अच्छा ये बताए, दीदी को चुनाव से पहले अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा? क्योंकि वो जैसे आप लोग देखिएगा, बीजेपी को सांप्रदायिक किया बोला जाता है, पर हम लोगों को किसी को अपना सरनेम या गोत्र बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं। इन लोगों का ढोंग है, दिखावा है, इसलिए हिंदू इलाके में जाते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं या फिर गोत्र दिखाना पड़ता है, मुस्लिम इलाके में जाते हैं तो ला इल्ला इल्ला अल्लाह बोलना पड़ता है। तो इन लोगों को वही वोट बैंक है, यूज़ करते रहते हैं। हम लोगों का तो खैर एक ही नाम है, एक ही सरनेम है, जन्म से है मरण तक रहेगा। दीदी बोलेंगे सभी मुसलमान एक होकर TMC को वोट डालो। नहीं, ये उन लोगों का तो वोट पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। कांग्रेस करते थे तो ये तो कांग्रेस का ही फसल है, दीदी तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस से ही टूट के बना है, तो फसल जहाँ का होगा मिट्टी की खुशबू उधर का ही आएगा, तो यही हो गया। नौ सौ करोड़ का तो अभी घोटाला आंखों के सामने है, आंखों के पीछे कितने का घोटाला है, 900 करते करते 9000 ना आ जाए सामने, यही शायद उन लोगों का नींद उड़ गया है। अपना नींद संभालने दीजिए, हम लोग अपना पारी संभाल रहे हैं। जो इनके सांसद हैं महुआ मोहित्रा, वो तो ब्राह्मणों का अपमान कर रही है, बोल रहे कि चोटी वाला राक्षस गोत्र है गिरिराज सिंह का। देखिए, तृणमूल कांग्रेस या संयुक्त मोर्चा जो भी नाम से आ रहे हैं, सभी धर्म को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो ये महुआ मोहित्रा या किसी के लिए नई बात नहीं है। सुप्रीमो जैसा है वैसा ही उनका आदत होगा, डाउनलाइन वैसा ही सुनाई देगा आपको जैसा सुप्रीमो बोलते हैं। ये बताइए, दीदी बोलते हैं बांग्ला निजर में, देखिए बांग्ला में हम लोग सभी बांग्ला का में हैं, हम लोग बांग्ला से बाहर का नहीं है, और बांग्ला हमारे लिए कोई जन्मभूमि और कर्मभूमि से कम नहीं है। हाँ ठीक है, दीदी अपना दावा करती है, उनको ऑलवेज चुनाव जीतने के लिए एक टैगलाइन चाहिए। इससे पहले बांग्ला का माँ, बांग्ला का बेटी बहुत कुछ हुए थे, अभी बेटी भी बन गए, तो दीदी को बनने दीजिए जो भी बनना है। इंसान को पता है, बंगला का जनता को पता है दीदी है क्या, भवानीपुर की वो खुद है, और इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो खुद अपनी वार्ड हार चुकी है, तो उनको पता था भवानीपुर से खड़े होने से उनका नैया डूब जाती, फिर इसलिए नंदीग्राम। बनारस की तो बहुत दूर की बात है, वो तो छोड़िए, अब वो खुद भवानीपुर में नहीं जीतेगी, अभी ऐसा उसका रेप्यूटेशन हो गया है कि भवानीपुर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसको वोट देना चाहेगी। और एक बात तो है ही, अगर वो अपनी घर में ही नहीं जीत सकती तो बाहर क्या जीतेगी। हम सब जगह पे लड़ सकते हैं, घर में नहीं लड़ सकता, उसका घर ही ठीक नहीं है तो वो क्या लड़ेगी। अभी वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, अब उसको मानना है या ना मानना है ये उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं अभी बीजेपी आ चुकी है और बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। मोदी जी का जो संस्कार है, मोदी जी का जो संकल्प है, उसको हम अनुसरण करके, हम अपने साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। TMC के लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जैसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं दीदी के लिए, ओ दीदी कहाँ है दीदी, वो उनको अपमानजनक लग रहा है, बोलिए ऐसा भाषा नहीं प्रयोग करना। भाषा तो अभी उनको भी थोड़ा सा सीखना चाहिए, देखिए अभी उनको प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो बंगाली है, उसको उनको सरस्वती पूजा का मंत्र पढ़ना है, फिर वो प्रूफ कर रही है कि मैं सरस्वती मंत्र की पूजा की मंत्र मुझे आती है इसीलिए मैं बताती हूँ, बोल के भूल भाल उल्टा पुल्टा मंत्र बोल रही है। तो बात वैसी नहीं है, बात ये है
कि अगर उनको किसी की भाषा से कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले सबसे पहले उनको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए. शी हैज़ टू बी वेरी मच कंट्रोल्ड पर्सन, देन शी कैन एक्सपेक्ट दैट कि और कुछ लोग आपको सम्मान करेंगे और या नहीं. मैडम ये बताए, दीदी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है? चुनाव से पहले गोत्र बता रही है दीदी. अभी बहुत कुछ बता रही है. वो पहले जब आई थी वो अपनी को बोलती सततता का प्रतीक, फिर वो हो गई बंगला का माँ, अभी वो बेटी भी बन गई है और अभी बोलता है खेला होबे. ओ अभी बहुत कुछ बताएंगे, हम बहुत कुछ सुनेंगे देखेंगे, रिजल्ट तो सेकंड में ही बताएंगे ना. वो तो पूरा इंडिया से भी लड़ सकती है, वो ऐसा दीदी है वो पूरे इंडिया से ही लड़ सकती है, वो तो लंदन में ही उतर रही है ना. मैडम अभिषेक उपाध्याय के बारे में क्या कहेंगे? बंदोपाध्याय के बारे में सुमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 900 करोड़ रुपया उनको दिया गया है. देखिए पैसों की जहाँ तक की बात है, पैसे का तो कोई हिसाब ही नहीं है. 10 साल तक जनता को लूटी है जनता जनार्दन, अभी उतर आई है वो लोग उतर आए हैं रास्ते पे, अभी उनको जवाब देने का टाइम आ गया है. जहाँ तक पैसों की सवाल है, पैसे तो उनके घर में हमको पता है कि कोटी कोटी जो करोड़ रुपया की झाड़बाती उनके घर में है, तो एस्केलेटर भी है उनके घर में. तो हमारे पैसे की बात अलग है, एकदम अलग है. पैसा तो शायद CPM भी कमा चुके हैं और अभी TMC भी कमा चुके हैं और कांग्रेस भी कमाते हैं. बात यह है कि सुरक्षा का ना, किसी की सुरक्षा यहाँ पे नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बच्चों की सुरक्षा नहीं है, खाना नहीं है. लॉकडाउन पीरियड में हम लोग देख चुके हैं कि खाना नहीं मिला, कितने कितने आदमी को खाना नहीं मिला, वो लोग भूख से मरे हैं. तभी ममता मई का ममता कहाँ पे थी? अब वो हिटलर दीदी बन के 5 रुपया में डीम भात सबको परोस रही है. क्यों, क्या फ़ायदा अभी परोसने के? अभी तो सब लोग बाहर निकल के काम कर चुके हैं, काम कर सकते हैं, अभी वो लोग अपना पेट भर सकते हैं. जब पेट भरने की बात नहीं थी तब वो लोग पेट नहीं भरे, अब आए हैं रास्ते पे डीम भात लेके. तो सबको पता है ये चालाकी काहे का चालाकी, कैसे चालाकी, कैसे वो जनता जनार्दन को आज तक 10 साल तक लूटी है, सबको सब कुछ पता है. हवाई चप्पल पहनती है, सूती का सादा साड़ी पहनती है. हवाई चप्पल का भी 18,000 दाम है दा भैया, और जो साड़ी पहनती है उसका भी 20,000 दाम है. मलमल की सादा साड़ी पहनती है वो, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो लोग ऐसा कर रही है. घर में जिनका झाड़बाती लटक रहा है और घर में जिसका एस्केलेटर है उसको क्या फ़र्क पड़ता है वो 18,000 की हवाई चप्पल पहने या 20,000 की साड़ी. दीदी बोलती है बांग्ला निजर मैं के चाय, हम भी बोल सकते हैं ना बांग्ला निजर छेले के चाय. तो दिलीप दा को भी हम चाहते हैं, बाबुल दा को भी हम चाहते हैं, ये भी तो बंगाल के ही सब लड़के हैं, ये तो बाहर से नहीं है. दीदी का जो बात है, दीदी हर एक को बोलते हैं बहिरा गौतो, तो पीके कहाँ से आए हैं? पीके भी तो बहिरा गौतो ही थे, तो उनको लेके उसने काम क्यों किया? अभी तो वो भी जा चुका है. दीदी बोलती है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने दो. बंगाल को गुजरात बनने देने से जो जनता है वो लोग तो बहुत ही सफल में रहेंगे ना, आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, ये तो उनकी हजम नहीं होगी. ये उनको, वो तो नहीं चाहती कि बंगाल के हर लोग सुख शांति में रहें. वो खुद भी शांति से नहीं रह सकती और किसी को शांति में रहने भी नहीं देंगे. मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? पर्सनैलिटी इनका अच्छा लगता है, कपड़े उनके अच्छे लगते हैं, आते ही सबको नमस्कार करते हैं, बात करने का उनका जो तरीका होता है, किसी को खराब एक वर्ड आप नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा, तू तकार करके किसी को नहीं कहते, हमेशा आप कहते हैं तू या तुम, किसी को नहीं कहते. और मैं गुजरात में बहुत साल रही हूँ, गुजरात में मैंने काम किया है होटल प्राइड में, वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, रात को 12 बजे हो 2 बजे हो अहमदाबाद में कोई भी ऑटो वाला आपको ना नहीं बोलेगा. 2 बजे एक अकेली लड़की भी वहाँ पर सेफ है, मतलब मैं थी, मैं अपना बोल रही हूँ, 2 बजे ही किसी ऑटो को अगर बोलोगे कि आप भैया मुझे वहाँ जाना है तो वो ना नहीं कहेगा. तो वहाँ पर हमने सेफली, मैंने बहुत साल गुजारा है गुजरात में, तो गुजरात में तब मोदी जी वहाँ पर CM थे. गुजरात इसीलिए अच्छा है, इसीलिए गुजरात अच्छा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है,
टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, गुजरात सेफ है, वहाँ गरीब वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ के गरीब के पास आप देखोगे 10-20 गाय है, और यहाँ का गरीब कौन है? धूलागढ़ में यहाँ पे बीसीपुर में जो फैक्ट्री में 200 रुपया रोज काम करते हैं उसमें भी कटमनी लेते हैं वो लोग। यहाँ का गरीब यह है कि आज काम पे नहीं जाएगा तो उसको सोचना पड़ेगा कल क्या खाऊं। गुजरात में ऐसा नहीं है, गुजरात में गरीब वो है जिसके पास बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन बंगाल में जो अमीर है गुजरात में वो वही गरीब होगा। गुजरात में ऐसा मिडिल क्लास का समस्या नहीं है, मिडिल क्लास है ही नहीं गुजरात में, और गरीब जो है उसका सिचुएशन यहाँ से बहुत अच्छा है। दीदी बोलती है बंगाल को गुजरात नहीं बनने, सोच उनका अच्छा है। देखिए बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, कोलकाता को लंदन बनाएंगे, हम सपोर्ट करते हैं तो बनाइए लंदन, हमको गुजरात नहीं। अरे आप लंदन दोगे तो हम गुजरात थोड़ी ना जाएंगे, हम लंदन ही जाएंगे, तो लंदन दीजिए, हम गुजरात क्यों जाएंगे? हम लंदन ही जाएंगे ना, डॉलर कमाएंगे, तो गुजरात का 2 रुपया कौन कमाएगा? डॉलर कमाएंगे, लंदन दीजिए हमको, कोई एतराज़ नहीं है। लंदन बना है, कोलकाता जाते हैं तो सर लंदन नहीं दिखता आपको? हम तो महीने में 1-2 बार घूम ही आते हैं, अभी वीज़ा नहीं लगता, 20 रुपया का टिकट काटो, वहाँ से बस हावड़ा स्टेशन से बस पकड़ो, लंदन चले गए, घूम कर आ गए। अभी नंदीग्राम को बोल रही है मॉडल बनाएंगी, कोलकाता मॉडल देख के लोग तो बोल रहे हैं कि यार अच्छा अब नंदीग्राम भी मॉडल बनेगा कोलकाता जैसा, जैसे कोलकाता लंदन बना नंदीग्राम भी मॉडल बनेगा। सबसे अच्छा बात ये है कि वो घर में घुस के मारते हैं, मोदी जी फेंकते नहीं है, जो बोलते हैं तो करते हैं, जो बोलता है वो विरोधी भी जानते हैं। सीए के टाइम में वो जो घोर विरोधी है वो भी बोलने लगा जे ये मोदी है, ये करेंगे जो बोलेंगे वो करेंगे, वो भी जानते हैं। वीजा पासपोर्ट रद्द करने वाला वो कौन होती है? वो पश्चिम बंगाल की सीएम है और मोदी जी भारत के पीएम हैं, वो उनको याद रखना चाहिए, वो उनसे बड़े हैं, उतना इज्जत करना चाहिए उनको। हाँ बीजेपी का लीडर का नहीं, पीएम का इज्जत करना चाहिए उनको, अभी उनको देखकर हम लोग क्या सीखेंगे? एक सीएम होकर वो क्या बन रही है हमारे सामने, उनका इमेज कैसा हो रहा है, वो कैसे प्रेजेंट कर रही है अपने आप को हमारे सामने, वो भी मैटर करती है। उनके हिसाब से दुनिया नहीं चलता, बहुत कुछ बोलती हैं बोलेंगी, उनके हिसाब से दुनिया नहीं चलता। अब बांग्लादेशी लोग बोल रहे हैं, बांग्लादेशी लोग मुसलमान लोग सब कुछ पहना हुआ है, वो भी तो हाथ जोड़ के मोदी का वेलकम कर रहे हैं, उनको सलाम वलाम नहीं किया, उनको ये हिजाब पढ़ना नहीं पड़ा, कलमा भी नहीं पड़ा, उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, हमारा सर ऊंचा किया पूरे विश्व के सामने, जबकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा इतना ज़्यादा मतलब तनाव में है, इतना ज़्यादा अभी उठ रहा है हिंदू मुसलमान का मुद्दा, तब जाके मोदी जी ने और मुसलमानों ने भी उनका इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा उन लोगों का रिलेशनशिप बना, तो ये हमारे लिए तो अच्छा है, रिलेशन अच्छा बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? दीदी बोलती है बांग्ला निजर मैं क्या चाहूँ, आई एम ऑल्सो ए बांग्ला में, यहाँ पर बहुत सारे बांग्ला का में हैं, तो सवाल ये है कि बांग्ला में आके चाय, बांग्ला निजर में के चाय, बट सवाल ये है कि बांग्ला में आके चाय, आमी का के चाय चल, आमी का के चाय तो बहुत आके ये के आके चाय चल, पद्म फूल जोरा फूल नहीं चाहिए, जोड़ा फूल ना है, पद्म फूल पद्म फूल केनो चाहिए, हमरा गरीब আছি যদি কিছু দা ঘর বাড়ি টাকা পয়সা যদি দা লকডাউনে চাল দিয়েছে আমরা খেয়েছি, 500 টাকা দিয়েছে 3 মাস টাকা দিয়েছে। দিদি তো বলে বাংলা নিজের মেকে চা, দিদি চা বড় লোককে দেবে আমাদের ঘরে দেবে না, আমাদের ঘরে দেখতে পায় না, জানো আমাদের ছিটে বড় ঘর আমাদের ঘরে দিদি দেখতে পাচ্ছে, হ্যাঁ দিদিকে ডাকে নিয়ে আসো আমাদের কাছে, ডাকে নিয়ে আসো আমাদের ঘরে কিচ্ছু দেয় না দিদি, যারা বড় লোক তাদের ছাত করে দিচ্ছে। দিদি তো বাঙাল কে বেটি হ্যাঁ না বলতে বাংলা নিজের মেকে চা, বাঙাল কে বেটি আছে যারা বড় লোক যাদের 3 তলা 4 তলা বাড়ি আছে তাদের ঘরে